हम बनाने वाले बिच्छू भुट्टी की सब्जी। अगर आपको जानू का ये चैनल अच्छा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के दिन मैं जा रही हूँ हमारे मंदिर में, जो कि थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तो आपसे अब मैं सीधे वहाँ जाकर मिलूँगी। गाइस, हम मंदिर पहुँच चुके हैं। गाइस, सबसे पहले हमारे को ये टोपी पहननी होती है जाने से पहले। गाइज, ये है हमारे कुल देवता शशिरिंग नागस जी का मंदिर। तो गाइज, अभी हम यहाँ पे ये पॉट्स भरेंगे, और ये मैं सीड्स नॉनी से लेकर आई थी, सब्जियों के भी लेकर आई हूँ, फ्लावर्स के भी लेकर आई हूँ। तो अभी हम फ्लावर्स लगा रहे हैं। तो ये है एनुअल क्रायसैंथेमम गुलदाउदी, ये है चाइना एस्टर, और ये है मैरीगोल्ड का हाइब्रिड सीड है ये, और इसका येलो कलर के फूल होते हैं बड़े बड़े इसके। तो ये तीन लगाएंगे अभी हम फिलहाल। गाइस, तो ये हमने सारे पॉट्स भर के रख दिए हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस, अभी शाम के बज चुके हैं 5, और अब हम बनाने वाले बिच्छू भुट्टी की सब्जी। तो बताते हैं हम कि कैसे बनाते हैं हम यहाँ पर। गाइस, जब ताजी ताजी होते हैं बिच्छू भुट्टी, तो उससे मतलब कम लगती है, अच्छा स्वाद भी होता है, और टेस्ट भी अच्छा होता है उसका, तो इसीलिए हम बना रहे हैं। और हम तो खाते काफी है ना मम्मी, हर साल जब भी लगती है तो हर साल बनाते हैं, दो तीन बार बना ही लेते हैं। और ये मैं अपनी बहन के सर के ऊपर। तो गाइस, जिसमें मैंने वो कड़वी भुट्टियों को पीसा, उसको बोलते हैं किनौरी में दुखतीपन, ऐसा बोलते हैं कि ग्राइंडर से ज्यादा जो है उस दुखतीपन में पीसा हुआ ज्यादा टेस्टी होता है। तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, और यहाँ पे शायद सबको अच्छा लगता है, शायद नहीं सबको अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है मतलब बहुत। जब मैं सोलन से आई थी, सोलन में गर्मी थी और यहाँ ठंड है। गाइस, आती है सब्जी, और ये बिच्छू भुट्टी है, और ये है कड़वी भुट्टी जो कि चुल्ली की है, वाइल्ड एप्रिकॉट की भुट्टी। तेल डालेंगे इसको गर्म होने। इसमें मैंने प्याज और लहसुन कूट के रखा हुआ था, और एक दो मिर्च डालूंगी। नहीं नहीं, प्याज और लहसुन तो मैंने कूटा वैसे। हाँ, चलो भी पहले कूटा जाए इसमें। हाँ, ये है हमारी ओखली। टमाटर दिख रहा है? दिख रहा है। कुछ नहीं है। अब इसमें हम मिर्च डालेंगे पहले, और हम ये सारा प्याज लहसुन और मिर्च। गाइस, पापा एक सवाल पूछ रहे हैं कि तूने कभी मुच्छों वाला सांप देखा है? तो मैंने बोला नहीं देखा है। होता है क्या मुच्छों वाला सांप? मम्मी आपको क्या लगता है, होता है? नहीं, पर चुन चुन सांप तो होता है ना, होता है। मतलब चुन चुन आवाज करता है ना? हाँ, ये कर लो पहले। बोलो। मुझे छींक आ गई। बोलो क्या डालो मामा? अब हल्दी डाला थोड़ा सा। जला दिया? नहीं, मिर्च दे। अच्छा अच्छा पीसा हुआ टमाटर। अभी इसमें पानी डालेंगे। नॉर्मल तड़का लगाया अभी मम्मी ने। वैसे टमाटर ना भी हो तो सिंपल बना सकते हैं इसको। मेन टेस्ट तो इसमें गुट्टी का है ना मम्मा? सिर्फ गुट्टी का है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है इसकी, नॉर्मल तड़का और सब्जी। नॉर्मल, हाँ, कुछ नहीं डालना है।
वैसे तो गुट्टी का ही स्वाद आएगा, टमाटर तो बिना भी डाले चलेगा, बस प्याज या मिर्ची चाहिए। थोड़ी देर इसको पकने देंगे, थोड़ा सा पकने के बाद फिर डालेंगे गुट्टी का, 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। A few moments later, गुट्टी को पानी डाल के फिर इसमें डालेंगे, इसका फ्लेवर आएगा इसमें। अब इसमें पानी अब अपने उस हिसाब से डालना पड़ेगा, मतलब इसको हम थोड़ा मम्मी लिक्विड सा बनाएंगे ना, लिक्विड सा चावल के साथ खाने को मिक्स, चलो रोटी भी। पर हम ज्यादा हम हमेशा लिक्विड ही बनाते हैं, वैसे वो भी बना सकते हैं, नहीं मतलब हाँ, पानी तो अपने हिसाब से अपने हिसाब से, पर हमारे को पानी वाले पसंद है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है, बस हो गया। अब बस इसको उबलने दो, पर वो मतलब अच्छे से उबलने देना पड़ेगा इसका, गुट्टी कड़ोई गुट्टी का थोड़ा स्वाद जाने देना पड़ेगा, वापस चले जाता है उबलने देना पड़ता है थोड़ी देर। A few moments later. अभी हम डिनर कर रहे हैं। कैसे है खुशु? पापा। टेस्टी बेटे। A few moments later. क्या बोलूँ? कुछ नहीं बोल दो। बंद कर। नहीं बोलो। पहले से बोल, मैं बोल रही हूँ। अगर आपको जानू का ये चैनल अच्छा लगा है, अगर आपका ये जानू का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर जानू का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। हाँ अच्छा बोला मम्मी।